नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पर मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम अपने जो फागन वाले गन्ने की बुआई करती इस बार उस खेत में आए हैं, ठीक है जी। ये हमारा 84-36 खड़ा है सामने की तरफ, और इस वैरायटी में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये 13035 करनाल संस्थान की जनरल की वैरायटी है। जमाव में तो इसने कमाल ही कर दिया, झंडे गाड़ दिए और मुत्था वगैरह इसमें कई चीज़ें इसमें हो रही है। और वैरायटी भी मैंने कई लगा रखी है, पर इसमें 0118 है। देखो मैं दिखा दूँ एक बार, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो जी किसान भाइयों, ये वैरायटी है 0118 करनाल संस्थान की। आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका जर्मिनेशन इसमें यहाँ पे हो गया है, और इस साइड में भी इस खेत में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन ये मेरा 0118 का है, या फिर इसके बाद जो मैंने लगा रखा है 14201, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। 14-10 ऐसा लग रहा है जहाँ ट्रेलिंग भी शुरू कर दी उसने, और अभी मोथा वगैरह इसमें हो रहा है। कौन सी दवाई लेके आया हूँ और किस किस तरह से व्यवस्था कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। देखो जी 14201 है, ये भी बहुत अच्छा जमका रहा। ये एक नई वैरायटी थी, जमाव इसका अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। अभी एक खरपतवार नाशी करता हूँ, उसके बाद मैं इसमें खुरपन लगवाऊंगा, मगर उससे पहले एक पानी और लगाना मुझे इसमें, और वो रसायन मैं आपको और दिखा दूँ कौन सा है कौन सा नहीं, जो उनसे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और कहीं कहीं बहुत अच्छा जम रहा है, ये भी एक अलग बीज है जी। कहीं कहीं दिक्कत सी कर रहा है, पर हल्का हल्का निकल के आ रहा है। तो दोस्तों एक नई वैरायटी, 4 वैरायटी भी लगा रखी है नहीं, पौध में लगाने की तैयारी है, और हफ्ता भर लगभग निकल गया सब। और पत्ती से डाल रखी ताकि नमी बनी रहे और सीधी सीधी धूप ना खाए, गर्माहट इसमें हिस्सा बढ़ाए, नमी ना जाए इसकी, ठीक है जी। और जो सा साल्ट में कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ, कट नोजी लगा दिया मैंने ताकि दवा एक सीमित जगह में ही लगे, ऊपर की गूल के ऊपर बिल्कुल नहीं करूँगा, अंदर की तरफ करनी है। और ये रहा जी वो साल्ट, पैराजोल सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है जी आपका। और ये मोथा या मोथे जैसा हल्का फुल्का जो भी घास होगा उससे सारे को लपेट देगा, और 2 पानी में सारा खत्म हो जाएगा, जड़मूल समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में और चीज़ में कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि चौड़ी पत्ती का जितना भी घास है उसका मैं खाद बना दूंगा, जुताई में आ जाएगा वो, ठीक है जी। तो हल्का फुल्का दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता हूँ इसके साथ में। तुम्हारे बड़े भाई प्रमोद जी से मेरा डिस्कशन हुआ इस बारे में, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, पासू से हैं जो, तो इसलिए मैं रुक भी गया सहारनपुर से। और अभी खाली सिंगल स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें एक ही, और 5 बीघा मेरा पोर्शन है, 1 एकड़ हो गया। 10 टंकी मैं इसमें पानी की बनाऊँगा, 10 टंकी मेरे को करनी है, उसी हिसाब से मैं पानी रखूँगा, अच्छे से तीर कर दूँगा इसको। तो ठीक, देखो भाइयों मैंने पैकेट काट लिए, ठीक है, 80 ग्राम के पाउच है ये, और ये मैंने इसमें डाल दी दवाई, ठीक है जी। एक पैकेट ये लिया, यानी कि 80-160 ग्राम, और कोई विशेष महंगा भी नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें गिन के मैं 10 डिब्बे पानी के डालूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ी बाल्टी सीधी रखनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो दूसरे 10 डिब्बा मारने पाने का, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ। ये 10 डिब्बे मेरे पूरे हो गए जी इसमें, और इसके बाद में जब मुझे कार्रवाई करनी है वो ये है जी, इस दवा को अच्छे से मिला लेना है इसमें। अब फुहारे में कैसा चलता है कैसा नहीं चलता वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब ये अच्छे से मिल गया है जी, मिक्सिंग होगी अच्छे से। भाइयों थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया, और ये मैंने अच्छे से घोल ली थी, अब एक डिब्बा मैं इसमें से लूँगा और इसमें डाल दिया अंदर, थोड़ा पानी पहले टंकी में डाल दिया था, और अब इसमें पानी मिला लूँगा, और हर बार मेरे को इसमें डंडी घुमा के तब दवाई लेनी है इसमें स्प्रे मशीन में, ताकि दवाई बिल्कुल समानांतर मिलती रहे, सारे खेत में एक समान छिड़काव हो। देखो किसान भाइयों, फुहारा एकदम बेहतरीन बन गया है, कितनी शानदार
मामला बन कर रहा था, ऊपर तक सारा चाप देगा, बिल्कुल एक सार चला कर जिसे कहते हैं, सारा मोथा यंग का ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन फौरा चल रहा है, आपको उठा के दिखा दूँ। ठीक है भाइयों, इसी साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, राम राम।